एक शख्स गुस्से में इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना सर पीट पीट के कहने लगा, या अली, कल मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे बताएं, मेरे इस नुकसान से अल्लाह को क्या मिला? क्यों अल्लाह ने मेरा नुकसान किया? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरों को उठाया और कहा, ए शख्स, किसने कहा कि तुम्हारा नुकसान तुम्हारे खालिक ने किया? किसी का बुरा करना, किसी का नुकसान करना अल्लाह के कानून में नहीं। याद रखना, जब जब जो इंसान पैदा होता है, अल्लाह उसकी तकदीर में कामयाबी और खुशहाली लिख देता है, लेकिन अफसोस तो यह है कि इंसान खुद अपने गलत फैसलों से अपना नुकसान करता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बताओ, इस जमीन पे तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें किससे मिला? तो वो कहने लगा, या अली, मुझे प्यार, मोहब्बत, ख्याल अपनी माँ से मिला। मेरी माँ से बढ़कर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ, अगर तुम्हारी तकदीर तुम्हारी माँ लिखती तो क्या बुरी लिखती? तो वो कहने लगा, नहीं मेरे मौला, मेरी माँ तो हर कदम कदम पे सिर्फ मेरी कामयाबी लिखती। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शख्स, तुम्हारा खालिक 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए नुकसान कैसे लिख सकता है? देखो, इस दुनिया को जहां कदम कदम पे सिर्फ फसाद, नुकसान, शर मिलता है, अगर अल्लाह इंसान को खुद मुख्तार नहीं बनाता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद अपने हाथों से अपनी ही जमीन को ऐसा करता? सोचो, अल्लाह ने एक दिन रखा जिसको कयामत कहते हैं। अगर हर गुना सवाब इंसान से अल्लाह ही करवाता तो फिर रोजे मैशर का हिसाब किताब क्यों रखा? बताओ, वो शर्मसार होने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन हिसाब किताब इस तराजू में तोला जाएगा कि जब तुम्हारे खालिक ने तुम्हें इतनी नेमतें दी, तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मंजिल लिखी, तो तुमने अपना ही नुकसान क्यों किया? तो तुमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग के दूसरों पर जुल्म क्यों किया? उसी जुल्म का हिसाब किताब होगा। तकदीर में हर इंसान कामयाब है, लेकिन इंसान के गलत फैसले इंसान की कामयाबी नसीब होने नहीं देते। ए शख्स, तुम्हारा नुकसान तुम्हारी तकदीर में नहीं था, बल्कि तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से तुम्हें ये नुकसान नसीब हुआ। इसीलिए नसीब होने को नसीब और तुम्हारी मंजिल को तकदीर कहते हैं।